नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आप लगातार सुबह से देख रहे हैं हमारी खास कवरेज महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में बीजेपी की बनेगी सरकार, अमित शाह ने शिवसेना के साथ सरकार बनाने का दिया संकेत, एनसीपी का बाहर से समर्थन देने का प्रस्ताव। महाराष्ट्र में बहुमत से दूर बीजेपी, संसदीय बोर्ड की बैठक में आज शाम आगे की रणनीति पर होगा फैसला। कांग्रेस ने स्वीकारी हार, पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी को जीत पर दी बधाई, कहा जनता ने बदलाव के लिए दिया है वोट। हरियाणा में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत, आईएनएलडी दूसरा सबसे बड़ा दल, कांग्रेस को भारी नुकसान। महाराष्ट्र में कांग्रेस के नारायण राणे और कृपा शंकर सिंह हारे, आईएनएलडी के दुष्यंत चौटाला को शिकस्त, हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष रामविलास शर्मा जीते। तो महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजों से यह साफ है कि दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी। हालांकि महाराष्ट्र में अभी बहुमत से दूर है बीजेपी, लेकिन हरियाणा में स्पष्ट बहुमत मिल चुका है और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर महाराष्ट्र में उभरी है बीजेपी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सरकार के गठन के लिए शिवसेना से समर्थन मिलने का संकेत दिया है। प्रदेश में शिवसेना दूसरा सबसे बड़ा दल उभर कर सामने आया है, महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं। एनसीपी ने भी बीजेपी को अब बाहर से समर्थन देने का प्रस्ताव दिया है। और अब से कुछ देर पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की ही सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री भी बीजेपी का ही होगा। उन्होंने कहा कि शिवसेना से बीजेपी ने कभी गठबंधन नहीं तोड़ा, बल्कि सीटों पर असहमति की वजह से यह कदम शिवसेना की तरफ से उठाया गया था। देखिए, हमने कभी गठबंधन नहीं तोड़ा था, झगड़ा जो पड़ा वो आप सबसे कोई छिपा नहीं है। तीन सीटों के लिए इतना पुराना, सालों पुरानी दोस्ती टूट गई और आज सिद्ध हो चुका है कि कौन सच्चा था। और जैसा हमने आपको बताया, एनसीपी ने महाराष्ट्र में बीजेपी को बिना शर्त बाहर से समर्थन देने का ऐलान किया है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि एनसीपी का बयान सबसे बड़े गठबंधन को दिया गया एक स्वाभाविक समर्थन है। एनसीपी ने बयान दिया है वो अलायंस का नहीं दिया है, बट सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी उसको बाहर से समर्थन देने की बात की। इधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा महाराष्ट्र में पार्टी को मिली हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने दोनों राज्यों में बीजेपी को जीत के लिए बधाई दी है। राहुल गांधी ने कहा कि जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता का फिर से भरोसा जीतने के लिए अब कड़ी मेहनत करेगी। और इस वक्त हमारे संवाददाता श्याम सुंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, हम सुबह से ही देख रहे हैं और अब ये लगभग साफ हो चुका है कि हरियाणा में तो कम से कम बीजेपी सरकार बना ही रही है, महाराष्ट्र में भी कुछ जरूर सीटों का तालमेल बैठाना होगा। अब ये किस गठबंधन के तहत होगा, शिवसेना के साथ जाएगी, ये फिलहाल बीजेपी अभी साफ नहीं कर रही है। लेकिन सियासी हलकों में फिलहाल क्या चर्चाएं हैं, क्या संभावनाएं हैं महाराष्ट्र में फिलहाल बीजेपी के लिए? देखिए, जो महाराष्ट्र में संभावनाएं हैं, दो तरह की संभावनाएं बताई जा रही हैं। एक तो ये है जो एनसीपी का जो पब्लिक डोमेन में है कि उन्होंने ऑफर किया है कि वो अनकंडीशनल सपोर्ट देने के लिए बीजेपी को तैयार हैं, लेकिन उस पर जब सवाल पूछा गया था अमित शाह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने बार बार कहा कि बीजेपी या एनसीपी के अलायंस की बात नहीं हो रही है, वो एनसीपी सरकार में पार्टिसिपेट करने की बात नहीं कर रही है, वो बाहर से समर्थन देने की बात कर रही है। और जब कोई एक पार्टी बाहर से समर्थन देने की बात करती है, चाहे वो अनकंडीशनल क्यों ना हो, उस सरकार को बहुत स्टेबल नहीं माना जाता है, क्योंकि जो बाहर से समर्थन दे रही पार्टी है, इसका मतलब यह है कि आइडियोलॉजिकली बहुत क्लोज नहीं है, वो कुछ मुद्दों के आधार पर वो समर्थन दे रही है। और एनसीपी ने जैसे कहा कि वो जनादेश का सम्मान करते हुए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है उसको समर्थन दे रही है। दूसरी तरफ शिवसेना है जो नेचुरल अलाई है बीजेपी की, और लंबे वक्त तक बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन चला महाराष्ट्र में, लेकिन और आज भी एनडीए
का पार्ट है, अनंत गीते केंद्र में मंत्री हैं मोदी सरकार में, लेकिन जिस तरह की तलखी देखी गई चुनाव प्रचार के दौरान, खासतौर पर सामना में जिस तरह के लेख लिखे गए और जिस तरह से स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया गया, उससे कड़वाहट जरूर बढ़ी थी। हालांकि आज सुबह से ही बीजेपी के जो राज्य के नेता हैं उनकी बातों में कुछ नरमी दिखाई दी। अमित शाह ने भी कहा, बार बार कहा उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने गठबंधन नहीं तोड़ा था, कुछ मनमुटाव हुए थे और अब चुनाव परिणाम साबित कर चुके हैं कि हमारा जो आर्ग्यूमेंट था, हमारा जो तर्क था वो ज्यादा सही था। लेकिन उसके बावजूद स्पष्ट तौर पर अभी तक बीजेपी लीडरशिप ने कोई इस तरह का इंडिकेशन नहीं दिया है कि वो शिवसेना के साथ ही जाएंगे या फिर एनसीपी का समर्थन वो स्वीकार करेंगे। 6 बजे पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी बीजेपी की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहेंगे और शायद उनके फाइनल अनुमोदन के बाद, ये बात जरूर है कि पार्टी में जरूर एक राय ली गई होगी और राज्य इकाई का अब तक सुझाव आ चुका होगा, चाहे वो मुख्यमंत्री पद के नामों का सवाल हो या किसके साथ गठबंधन करना है। लेकिन जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम प्रस्तावों का अनुमोदन नहीं करते हैं, उसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। और श्याम, अगर हरियाणा की अगर बात की जाए तो इतिहास ये बताता है कि चौधरी देवीलाल हों, चौधरी बंसीलाल हों, ओम प्रकाश चौटाला हों, जब जब जो क्षेत्रीय दल उभर कर सामने आए हरियाणा में, तब तब हर सरकार में बीजेपी ने एक भूमिका जरूर निभाई है। लेकिन क्या इस बार की जो लैंडस्लाइड विक्ट्री कही जा रही है, बहुमत जो मिला है बीजेपी को, वो सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था या कुछ और वजहें थी जिसने 2004 में सिर्फ 2005 में सिर्फ 2 सीट जीत पाई बीजेपी, फिर 2009 में सिर्फ 4 सीटें जीत पाई और इस बार अब 50 को पार कर रही है शायद, अब अगर जब फाइनल नतीजा आएगा, क्या वजहें मानते हैं आप? क्या महज एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था जिसने बीजेपी को इतना ज्यादा आगे बढ़ा दिया? नहीं, कई वजह हैं। जैसा कि आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने खुद ये बात मानी कि हरियाणा का जहां तक सवाल है, 26 से ज्यादा सीटें उन्होंने कभी लड़ी ही नहीं, तो इस तरह की जीत का सवाल ही पैदा नहीं होता था। और 16 से ज्यादा सीट वो कभी नहीं जीत पाए थे। चौधरी देवीलाल के साथ जब बीजेपी का अलायंस हुआ था, उस वक्त में हाइएस्ट सीटें उनको मिली थी और पिछले विधानसभा चुनाव में मात्र 9% उनको वोट मिला था और 4 सीटें ही बीजेपी को हासिल हुई थी हरियाणा में। तो जाहिर है उस लिहाज से अगर आप देखें तो लैंडस्लाइड है, और एक बड़ा फैसला हरियाणा में भी लिया था क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ अलायंस था बीजेपी का और एक सहमति बनी थी कि आधी आधी सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। लेकिन लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आए थे, जिस तरह से 7 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी राज्य में और 52 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को बढ़त मिली थी, तो उसके बाद बीजेपी को यह लगा था कि बेशक ग्रामीण अंचलों में यह कहा जाता है कि बीजेपी का संगठन नहीं रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी फैक्टर ने जिस तरह से काम किया था और जिस तरह से 52 विधानसभा क्षेत्रों में, 90 सीटों में से अगर 52 विधानसभा क्षेत्रों में किसी पार्टी को बढ़त मिल रही है, तो जाहिर है कि कोई भी पार्टी उसको कैपिटलाइज करना चाहेगी और वही दाव बीजेपी ने चला। लेकिन उसके अलावा भी आपने जो कहा कांग्रेस का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर एक बड़ा फैक्टर जरूर था। पिछले 10 साल में हरियाणा का इतिहास रहा है कि ज्यादातर 5 साल में सरकार बदलती रही और हरियाणा क्यों, पंजाब और हिमाचल उसके जो पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब में पिछली बार जरूर रिपीट हुई थी जिस तरह से कांग्रेस की सरकार रिपीट हुई, लेकिन आमतौर पर 5 साल में वहां सरकार बदलती रही है। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जरूर वहां पर था, लेकिन उसके अलावा और कई सारे फैक्टर थे। मसलन कोई बड़ा जाट लीडर बीजेपी के पास नहीं था, उसमें चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस छोड़कर वहां चले गए। अहिरवाल में जहां क्लीन स्वीप एक तरह से किया है बीजेपी ने, वहां पर राव इंद्रजीत कांग्रेस को छोड़कर चले गए, बीजेपी में वो शामिल हुए लोकसभा चुनाव से पहले, केंद्र में वो मंत्री हैं। तो ये कई तरह के फैक्टर थे और एक जो जाट वर्सेज नॉन जाट का एक टसल जो हरियाणा में लगातार चलता रहा, उसको भी काफी हद तक बीजेपी कैप्चर करने में कामयाब रही। और आखिरी मौके पर जिस तरह से डेरा सच्चा सौदा जो एक सेक्ट है जिसका खासतौर पर सिरसा, हिसार, करनाल और कुरुक्षेत्र, इस जो पंजाब से लगते हुए जिले हैं, यहां पर काफी असर देखा जाता है। खासतौर पर जो दलित और पिछड़ी जाति के मतदाता हैं, उसमें लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में 1000 से लेकर 10000 तक कहा जाता है कि वो इन्फ्लुएंस करते हैं मतदाताओं को और उनके वोटर थोड़ा सा पॉलिटिकली अवेयर
वोटर हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी वेव के ऊपर बीजेपी डिपेंड थी। उन्होंने जितने भी जमीन पे जो काम किया जाने की जरूरत थी, जिस तरह के समीकरण बनाए जाने की जरूरत थी, जिस तरह का प्रतिनिधित्व अलग अलग तबकों को देने की जरूरत थी, और जो मुख्य मुद्दा था, जो क्षेत्रवाद का आरोप लगा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर के उन्होंने रोहतक और आसपास के इलाकों का ही विकास किया, या जातिवाद का जो उनके ऊपर आरोप लगा था कि एक खास समुदाय को छोड़कर किसी और समुदाय के लोगों को, चाहे वो रोजगार का सवाल हो या दूसरी अपॉर्चुनिटीज हैं, उसको नहीं मिला, उसको उन्होंने बखूबी कैप्चर किया। और जाहिर है कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से 11 ताबड़तोड़ सभाएं की छोटे से हरियाणा में, वो जरूर एक एक कहिए कि डिसाइडिंग फैक्टर बना हरियाणा में। जी, और इसका श्रेय खुद अमित शाह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए श्याम सुंदर। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही चुनावी नतीजे साफ हुए हैं, महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर नए समीकरण भी सामने आ रहे हैं। अब एनसीपी ने सबसे बड़े दल के रूप में उभरी बीजेपी को बाहर से समर्थन देने की बात कही है, हम आपको लगातार बता रहे हैं। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल के इस बयान पर बीजेपी ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने इस प्रस्ताव पर विचार करने की बात कही है। बीजेपी की ओर से सरकार बनाने को लेकर अंतिम फैसला पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक में किया जाना है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है। उनका बहुमत नहीं भी है, लेकिन बहुमत के नजदीक आने की स्थिति केवल भारतीय जनता पार्टी की है। ऐसे परिस्थिति में महाराष्ट्र को एक स्थिर सरकार मिले, प्रगतिशील सरकार मिले, और केंद्र के साथ जिस सरकार का एक संबंध बना रहे, इस परिस्थिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए हम मदद करेंगे, हम सरकार के बाहर से मदद करेंगे। जो मैंडेट जनता ने दिया है उसका वो सम्मान कर रहे हैं, इसकी हमको खुशी है, लेकिन किसका हमने सपोर्ट लेना, इसका निर्णय हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा, जो सब फैसला करेंगे महाराष्ट्र के हित में करेंगे। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा है कि अगर बीजेपी और शिवसेना महाराष्ट्र में मिलकर सरकार बनाए तो उन्हें खुशी होगी। मुझे कहेंगे मेरी पार्टी के लोग और शिवसेना के लोग, तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा, लेकिन मैं आशा करता हूं कि महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश में पुराना संबंध फिर से कायम हो जाए तो अच्छा हो। शिवसेना और बीजेपी दोनों जैसे पुराने साथी रहे कई सालों से, वह संबंध बना रहे और उसके आधार पर दोनों मिलकर के सरकार बनाए तो अच्छा होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में कोई भी दल सरकार बनाने के लिए जरूरी 145 सीटें हासिल नहीं कर सका है। सबसे बड़े दल के रूप में उभरी बीजेपी को सरकार बनाने के लिए समर्थन की दरकार होगी। बीजेपी ने शिवसेना के साथ सहयोग की बात से इनकार नहीं किया है, लेकिन यह भी साफ किया है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। आज शाम होने वाली बीजेपी संसदीय बोर्ड में तस्वीर साफ हो सकती है। महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। बीजेपी 2009 के विधानसभा चुनाव में मिली 46 सीटों से इस बार काफी आगे निकल गई है, लेकिन 288 सीटों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए जरूरी 144 के जादुई आंकड़े से पार्टी दूर है। नतीजों से साफ है कि बीजेपी को सरकार बनाने के लिए समर्थन लेना पड़ेगा। आगे की हमारी रणनीति क्या होगी ये तो हम पूरे रिजल्ट आने के बाद कहेंगे, पर आज इन ट्रेंड्स को देखते हुए मैं इतना ही कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से महाराष्ट्र में सरकार स्थापित करेगी। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, एक पारदर्शी सरकार हम महाराष्ट्र की जनता को देंगे। तो अगर कुछ बन सकता है तो उस तरह का प्रपोजल अगर शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी के पास दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागणों ने, उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कुछ रखते हैं, तो उसके ऊपर महाराष्ट्र की जनता ने जिस तरह से मैंडेट दिए उसके ऊपर उद्धव जी जो भी सोच करेंगे। आज शाम बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, इसमें शिवसेना से समर्थन लेने और मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा होनी है। बीजेपी ने साफ किया है कि मुख्यमंत्री उनका ही होगा,
शिवसेना दूसरे नंबर की पार्टी के रूप में उभरी है। शिवसेना की दोपहर को उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में बैठक हुई। दोनों दलों के नेताओं की मुलाकात भी प्रस्तावित है। उधर इन चुनाव में 15 सालों से सत्तारूढ़ रहे कांग्रेस और एनसीपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। दोनों ही दलों के कई दिग्गज चुनाव हारे हैं। कांग्रेस ने हार स्वीकार की है। मैं दक्षिण कराड़ की मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने जिस दक्षिण कराड़ में कांग्रेस का झंडा फहराया है, ये सिद्ध हो गया इस चुनाव के बाद कि जो हमने कहा था एनसीपी ने कि 50-50% अगर हम लड़े होते साथ में तो बेहतर होता। हम अवश्य इस चुनाव का विश्लेषण करके कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। इन चुनावों में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पिछले चुनाव में मिली 13 सीटों से काफी नीचे आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हम लगातार अब तक नतीजे और रुझानों को सामने ला रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर हरियाणा से मिल रही है, जहां पर सुषमा स्वराज की बहन वंदना शर्मा सफीदों सीट से हार चुकी हैं। सफीदों सीट पर खुद सुषमा स्वराज ने प्रचार किया था अपनी बहन के पक्ष में, लेकिन इस वक्त जो खबर मिल रही है वो ये कि वंदना शर्मा चुनाव हार गई हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में इस बार कई दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा है। इनमें कांग्रेस के कई ऐसे नेता शामिल हैं जो बड़े पदों पर थे। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका नारायण राणे को की जो हार है उसके साथ सामने आया है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता सुभाष देसाई को भी गोरेगांव से हार झेलनी पड़ी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के चुनाव प्रभारी नारायण राणे को सिंधुदुर्ग की कुदाल विधानसभा सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा है। राणे को शिवसेना के वैभव नाइक ने 10,000 से ज्यादा मतों से हराया। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति शिंदे सोलापुर शहर मध्य सीट से चुनाव हार गई हैं। प्रणीति यहां तीसरे नंबर पर रही। इस सीट पर शिवसेना के महेश कोठे ने जीत दर्ज की है। अमरावती सीट पर पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के बेटे और कांग्रेस नेता राव साहब शेखावत को हार का सामना करना पड़ा। कभी कांग्रेस के नेता रहे बीजेपी उम्मीदवार सुनील देशमुख ने इस सीट पर कब्जा जमाया। कांग्रेस के एक अन्य दिग्गज नेता कृपा शंकर सिंह मुंबई की कलीना सीट से हार गए हैं। वो यहां तीसरे नंबर पर रहे। शिवसेना के संजय पोतानिस ने इस सीट से जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में बीजेपी के बाद शिवसेना दूसरे सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है, लेकिन शिवसेना के वरिष्ठ नेता सुभाष देसाई मुंबई की गोरेगांव सीट से जीतने में नाकामयाब रहे। अचलपुर सीट पर शिवसेना की सुरेखा ठाकुर पांचवें नंबर पर रही। एनसीपी के ज्यादातर बड़े नेता अपनी सीटें निकालने में कामयाब रहे। जीतने वालों में राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार, प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री आरआर पाटिल और छगन भुजबल भी शामिल हैं। पार्टी को बड़ा झटका अहेरी सीट पर लगा, जहां से धर्मराव बाबा अतराम को बीजेपी उम्मीदवार ने हरा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हरियाणा के इतिहास में पहली बार बीजेपी सरकार बनाने के करीब है। पार्टी को राज्य में स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है। रुझानों में INED दूसरा सबसे बड़ा दल है। आप देख रहे हैं बीजेपी को फिलहाल 47 सीटें मिल रही हैं। INED दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है 19 सीटों के साथ। तीसरे नंबर पर कांग्रेस है 15 सीटों के साथ, जबकि हरियाणा जनहित कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें ही मिलती नजर आ रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन जुड़ चुके हैं पंचकुला से, उनका रुख करते हैं। अखिलेश, ये तो अब तय हो चुका है कि हरियाणा में बीजेपी ही सरकार बनाएगी, वो भी अपने दम पर, लेकिन क्या सीएम पद को लेकर जो रस्साकशी पहले भी चली आ रही थी, हस्तक्षेप किया था बीच में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने, उसके बाद कुछ शांत हुआ, लेकिन अब क्या कोई एक नाम ऐसा है जिस पर सहमति बन सकती है हरियाणा में मुख्यमंत्री पद को लेकर? देखिए, हरियाणा में वैसे तो 3-4 नाम हैं, जैसे एक अनिल विज हैं, अंबाला के वो हैं, अंबाला से जी वो बीजेपी विधायक दल के नेता थे। दूसरे हैं ओपी धनकर, वो ऑल इंडिया किसान सेल जो है बीजेपी का, वो उसके नेता वो हैं। कैप्टन अभिमन्यु है जिनके बारे में भी चर्चा रहती है, राव वीरेंद्र सिंह है जिनके बारे में भी चर्चा रहती है, लेकिन एक नाम जो बहुत ही धीमे से लेकिन ये ब्लैक हॉर्स साबित हो सकता है, वह है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं करनाल से,
और ये आरएसएस के पुराने नेता रहे हैं और इस बार उन्हें खास तौर पे चुनाव लड़ने के लिए यहाँ बुलाया गया है। तो कई लोगों का मानना है कि मनोहर लाल खट्टर एक उम्मीदवार के रूप में, मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में उभर सकते हैं और वे नरेंद्र मोदी के भी काफी करीबी है। नरेंद्र मोदी जब हरियाणा के इंचार्ज थे उस समय मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो मनोहर लाल खट्टर का नाम बहुत ही धीमे से लेकिन बहुत जोरदार तरीके से मुख्यमंत्री के रूप में आ रहा है। तो आपको लगता है कि क्या आरएसएस की जो पसंद है और जो परंपरा रही है बीजेपी में कि आरएसएस की पसंद के जो चेहरे हैं उनको बड़ा पद दिया जाता है, इस बार पार्टी संगठन को दरकिनार करके मनोहर लाल खट्टर जो कि बता रहे हैं कि काफी लो प्रोफाइल नेता रहे हैं लेकिन संगठनात्मक तौर पर अब वो उभर कर आ रहे हैं सामने, तो क्या लगता है आपको कि संगठन को दरकिनार करके आरएसएस की पसंद का कैंडिडेट अगर मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आता है तो असंतोष बढ़ेगा या फिर कामयाब होगी पार्टी सबको मनाने में? देखिए, सवाल असंतोष का नहीं है। आप बीजेपी को आरएसएस से उस तरीके से अलग करके न देखें क्योंकि आरएसएस की छतरी पर ही बीजेपी, छतरी के नीचे ही बीजेपी है और मनोहर लाल खट्टर जनरल सेक्रेटरी थे यहाँ के हरियाणा के एक समय जब नरेंद्र मोदी खुद हरियाणा बीजेपी के इंचार्ज हुआ करते थे, तो इसलिए वो बीजेपी संगठन से अलग नहीं रहे हैं लेकिन आरएसएस के वो बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और अभी फिर वापस आरएसएस में चले गए थे लेकिन इस बार उन्हें चुनाव लड़ने के लिए बुलाया गया। इस रूप में देखें तो कोई मतभेद की गुंजाइश नहीं बनती है क्योंकि यह पूरा चुनाव, अगर कहें कि यह पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी के नारे के इर्द गिर्द और कार्यकर्ता के रूप में आप कहें तो आरएसएस और बीजेपी के सारे लोग रहे हैं। और अगर आप उम्मीदवारों में देखें जो जिन्होंने चुनाव लड़ा है उसमें तो अधिकांश कांग्रेस से आए हुए हैं या कुछ लोग आईएनएलडी से आए हुए हैं, इसलिए असंतोष का कोई सवाल नहीं उठता है क्योंकि यह बीजेपी ही इस पूरी चुनाव लड़ने में रीढ़ का प्रदान किया है बीजेपी ने और उसके बीजेपी की जो हवा बनी है उस हवा पर सवार होकर कई सारे लोग जो कांग्रेस से भाग कर आए यहाँ वो लोग चुनाव जीते हैं। इसलिए असंतोष मुझे नहीं लगता कि किसी भी चुनाव में अगर नरेंद्र मोदी या बीजेपी किसी का भी चुनाव करती है उससे असंतोष होने का सवाल नहीं उठता है क्योंकि किसी के पास विकल्प की भी गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस की यह हालत हो गई है, आईएनएलडी चारों खाने चित पड़ी है, इसलिए अब सबको यह मानना ही होगा क्योंकि आगे आने वाले दिनों में बीजेपी काफी मजबूत होकर यहाँ उभरने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, हम हरियाणा की ही बात करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो जनादेश का सम्मान करते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि हरियाणा में विकास की रफ्तार आगे भी जारी रहेगी। प्रजातंत्र है, सबका होता है। मोदी जी ने अपने पार्टी का प्रचार किया, कांग्रेस पार्टी ने प्रचार किया, लेकिन जनादेश है और जैसे पहले कांग्रेस को मिला बीजेपी को, मेरे ख्याल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और मैं उम्मीद करता हूं जो हरियाणा ने जो विकास की रफ्तार पकड़ी है उसको कम नहीं होने देगी। कांग्रेस सांसद शादीलाल बत्रा का कहना है कि कांग्रेस ने 10 साल में हरियाणा का भरपूर विकास किया है लेकिन जनता का फैसला वो स्वीकार करते हैं और हार के कारणों पर विचार किया जाएगा। सर, सबसे पहला सवाल जो सामने आता है वो ये कि आपको क्या कारण लगता है ये जो खराब प्रदर्शन रहा है उसका? पिछले 10 सालों से कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सत्ता में थी और इन 10 सालों का रिकॉर्ड पिछले 40 सालों से मैं चाहूँगा कि आप मुकाबला कर लें तो आप ही इस निर्णय में पहुँचेंगे कि 40 सालों में जो नहीं हुआ था वो 10 सालों में हो गया। जो नतीजे सामने आ रहे हैं उन नतीजों का कारण फिर क्या आप ये मानते हैं कि आपकी पार्टी के जो साथी चुनाव से पहले छोड़ के, पार्टी छोड़ के बीजेपी की तरफ चले गए या दूसरी पार्टी में चले गए, वो अगर आप लोगों के साथ आज होते तो शायद नतीजे और बेहतर हो सकते थे? नहीं, मैं ये तो नहीं मानता कि जो चले गए हैं अगर वो होते तो नतीजे और होते। मैं तो इस बात को इसलिए लेता हूँ कि जो 10 सालों में विकास हुआ, 10 सालों में विकास होने के बाद भांति भांति की जो है आवाज़ें उठी और ये उठी कि रीजन वाइज या कास्ट वाइज या ये कहें कि हम असमानता नहीं रख सके, लेकिन ये बात उनकी गलत थी। जो 6 महीने पहले जो कांग्रेस की हार हुई लोकसभा के चुनाव में और उसके साथ अगर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जोड़ ली जाए प्रदेश में सरकार की, कांग्रेस सरकार की, इन दोनों चीजों को मिला के कांग्रेस के जो कहा जाए कि खिलाफ जो मतदाता बाहर निकला वो इन दोनों की वजह से रहा? ये बात स्वाभाविक है, अगर केंद्र में सत्ता चेंज होती है, केंद्र में दूसरी सरकार होती है तो उसका राज्यों में भी असर पड़ता है। तो ये हम कह सकते हैं कि आज भी हमारे दिल में एक भावना है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मतदाता
का जो निर्णय होगा वो सर्वप्रिय होगा और उसके सामने नतमस्तक होना पड़ेगा, वो देखेंगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि हमारे में कहीं कोई त्रुटि रह गई हो, ऐसा नहीं था। नीति और नियत बिल्कुल ठीक थी जी। बिल्कुल। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद राज्यसभा के शादीलाल बत्रा जी, जो कह रहे थे कि पार्टी की और पार्टी की सरकार की जो प्रदेश में रही हरियाणा में, नीति और नियत तो बिल्कुल सही रही, लेकिन जब नतीजे सामने, जब नतीजों का विश्लेषण किया जाएगा तब शायद पार्टी और पार्टी के जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो शायद ये समझ पाए कि किस वजह से इन नतीजों में जो जैसा पार्टी उम्मीद कर रही थी वैसे नतीजे सामने नहीं आ पाए। कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, रोहतक। चलिए तो लोकतंत्र 2014 के सफर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन चुनाव और नतीजों से जुड़ी बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।